खाना खाना खाना। भारतीय पूरा दिन खाते ही रहते हैं। सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं और बीच में दो बार मिड मील खाते हैं, यानी कि हम दिन में 5 या 6 बार खाते हैं। आप सोचो, जितनी बार आप खाते हो उतनी बार आपका लीवर सक्रिय होता है, उतनी बार जूसी ज्यादा बनाने पड़ते हैं बॉडी को, उतनी बार उस बॉडी को पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट, किडनी को भी अपना काम शुरू करना होता है। और जितनी बार आप खाते हो ब्लड का सर्कुलेशन लगभग 2.5 से 3 लीटर आमाशय और उसके आसपास ही घूमता रहता है, तो वो दिमाग से भी कम हो जाता है, घुटनों से भी कम हो जाता है, एड़ी से भी कम हो जाता है। इसीलिए भारतीयों में बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो आप लोग ये समझो कि आप लोगों की बीमारी का कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो अपने खाने में कुछ ऐसा खाना शामिल कीजिए जिससे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन आमाशय में नहीं आए, एक बात। दूसरी बात, या फिर आप व्रत शुरू कीजिए। हम सब मिलके एक अभियान शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाते हैं कि हफ्ते में हर भारतीय को हफ्ते में एक व्रत रखना जरूरी है, जिससे भारत के लोग अपनी बीमारियों को तो ठीक कर ही लेंगे, साथ ही अपने समाज को भी उन्नत बना लेंगे और पूरे देश का जो हजारों करोड़ रुपया दवाइयों पर खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी। और देश के अंदर जो भी लोगों में इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण फैलता है, बीमारियां बढ़ती हैं, उस टाइम भी अगर आप खाली पेट रहोगे तो आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ कैसे। जिस तरह स्कूटर की, बाइक की, कार की आप सर्विस कराते हैं, उसी तरह हमारे लीवर की, किडनी की, हार्ट की, फेफड़ों की, आंतों की भी सर्विस करानी जरूरी होती है। लेकिन वो सर्विस होती है रफेज से, फाइबर से, न्यूट्रिशन से, विटामिन से, लेकिन वो मिलते कहाँ से हैं? हरी सब्जियों से, फ्रूट से, सैलेड से। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय। जिस तरह से आजकल मैं भी बिल्कुल फ्रूट डाइट पे, वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, हफ्ते में एक बार फास्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने निजी जिंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस महसूस हो रहे हैं। और मैं अपने मित्र को, आचार्य मनीष जी को और उनके सारे सहयोगियों को इसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस मिशन में मैं भी जुड़ा हूँ उनके साथ। चाहता हूँ कि पूरे भारत का जो है स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो, लोग हेल्थी रहें, हैप्पी रहें। तो हफ्ते में एक दिन कोई चुन लीजिए, जिनको कम बीमारियां हैं वो हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए, मान लो सोमवार चुन लीजिए। जिनको ज्यादा बीमारियां हैं, ज्यादा गंभीर है, वो हफ्ते में 2 दिन चुन लीजिए, सोमवार और वीरवार, ताकि बीच में गैप मिल जाए। पूरा दिन सुबह से रात तक आपको फ्रूट्स, सैलेड, नारियल पानी लेना है, सीड्स ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, जूसेस पी सकते हो। और जिस दिन व्रत है उस दिन दूध वाली बनी कोई भी चीज नहीं लेनी, और उस दिन खाना नहीं खाना, चपाती, चावल, खिचड़ी, दलिया नहीं खाना, रस, बिस्किट, भुजिया नहीं खाना। अगर पूरा भारत हफ्ते में एक दिन के व्रत के इस अभियान में शामिल हो जाए, इस वीडियो को पूरे भारत के हर घर घर में फैला दे, तो हमारे भारत का हजारों करोड़ रुपया बच जाएगा जो विदेशी केमिकल युक्त महंगी दवाइयों पर खर्च होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सच्चे सनातनी हैं और चाहते हैं भारत के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, तो हफ्ते में एक दिन व्रत का अभियान आप भी लें। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से भी अपील करूंगा, पूरे देश में अभियान चलाएं, एक हफ्ते में एक व्रत का। नमस्कार, धन्यवाद। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है।
अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें